केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, जिसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर 8 जनवरी को होने वाले ड्राई रन की तैयारियों पर चर्चा वो कर रहे हैं। बैठक में राज्यों से उनकी तैयारियों पर चर्चा के साथ ही केंद्र सरकार भी उन्हें अपनी ओर से सुझाव दे रही है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े हैं। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर तीसरी बार ड्राई रन होने वाला है। पहले चरण में 4 राज्यों में, दूसरे चरण में पूरे देश में ड्राई रन हो चुका है। इन दोनों ही ड्राई रन में कई कमियां नजर आई, जिसके बाद अब इन्हें 8 जनवरी को सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संवाद फिलहाल जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन फिलहाल बातचीत कर रहे हैं सभी राज्यों के जो चिकित्सा मंत्री हैं वो साथ में जुड़े हैं, और कोरोना को लेकर, कोरोना के सफल टीकाकरण को लेकर, साथ ही में कल चूंकि एक ड्राई रन फिर से होने वाला है उसको लेकर जो मंथन है और जो चर्चा है वो यहां पर जारी है। साथ ही राज्यों को अपने ओर से सुझाव भी यहां पर इस मीटिंग के माध्यम से दे रहे हैं केंद्रीय चिकित्सा मंत्री। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन फिलहाल कोरोना टीकाकरण को लेकर मंथन कर रहे हैं, और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद हैं इसके अंदर। देखिए, 2 ड्राई रन अभी तक हो चुके हैं और तीसरा ड्राई रन जो है वो अब होने वाला है, यानी कल के लिए। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं साथ में। लोकेश, देखिए, ड्राई रन पहले यहां पर हुए हैं लेकिन कई खामियां जब पाई गई, पहले 4 राज्यों में, उसके बाद पूरे देश में ड्राई रन हुआ, अब चूंकि कल एक और ड्राई रन है, उससे पहले ये मीटिंग कितनी ज्यादा अहम हो जाती है लोकेश? देखिए, बिल्कुल सही बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से की जा रही है। इसी बीच वैक्सीनेशन आम जनता तक पहुंचाने के लिए और वैक्सीनेशन का जो पूरा कार्य है उसको लेकर पहले 4 राज्यों में ड्राई रन का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब, गुजरात, जो आसाम और इन 4 राज्यों में ये ड्राई रन किया गया। 4 राज्यों में ड्राई रन की सफलता को देखते हुए ही अन्य राज्यों में ड्राई रन करने का फैसला किया गया था, और 2 जनवरी को सभी राज्यों में के जो प्रमुख शहर है वहां पर जो ड्राई रन का जो अभ्यास है वो किया गया। इस दौरान कई राज्यों में शिकायतें सामने आई थी कि जो वैक्सीनेशन पहुंचाने में समय में देरी हुई, साथ साथ जो वैक्सीनेशन के दौरान क्राउड मैनेजमेंट में कई जगह खामियां सामने आई, साथ साथ कई जगह पर जो प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी देखने को मिली है। ऐसे में सरकार की ओर से पुनः एक बार और जो वैक्सीनेशन को लेकर पूरी जो ट्रायल है वो उसको करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि राजस्थान में जो 2 जनवरी को ड्राई रन हुआ था उसमें 7 जिले शामिल किए गए थे, 7 जिलों में ड्राई रन किया गया था, इसमें जयपुर भी शामिल है। जयपुर सहित जो 6 सेंटर बनाए गए, 6 सेंटर बनाए गए हैं और प्रमुख सेंटर, और उनके अलावा करौली और भीलवाड़ा में भी ड्राई रन किया गया था। ऐसे में प्रमुख जो 7 शहरों में जो ड्राई रन किया गया उस दौरान किसी तरह की जो लापरवाही और किसी तरह की खामी नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर एक बार फिर से ड्राई रन करने का जो फैसला है वो केंद्र सरकार के अनुसार राजस्थान में भी किया गया है। 8 जनवरी को इस बार भी जो ड्राई रन है वो किया जाए जाएगा, उसको लेकर भी पूरी तैयारियां हैं सरकार की ओर से वो की जा रही है। कल 8 जनवरी को सुबह 10 बजे से ड्राई रन किया जाएगा, और जिस तरह से पहले चरण में जो ड्राई रन किया गया था, इनकी जो वैक्सीनेशन कोल्ड स्टोरेज सेंटर से वैक्सीनेशन ले जाकर कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाना और उसके बाद में सेंटर तक पहुंचाना और जो आम जनता है, जो वॉलंटियर है, उसके वैक्सीनेशन लगाने तक की पूरी प्रक्रिया है वो एक बार पुनः दोहराई जाएगी। जिस तरह से जो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्रदेश के सभी राज्यों के जो चिकित्सा मंत्री है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, और वीडियो कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह का जायजा लिया है कि किस तरह के वहाँ की तैयारियां हैं उनको लेकर। उसी में राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े और राजस्थान में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और वैक्सीनेशन को लेकर की जा रही तमाम तैयारियों को लेकर बताया कि किस तरह से राजस्थान में तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राजस्थान में पहले ही जो कोरोना संक्रमण का जिस तरह से प्रकोप देश भर में बढ़ रहा था उस दौरान भी जो पूरा तरह से जो मैनेजमेंट है वो सफल रहा, और उसी के चलते
कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को रोकथाम को लेकर राजस्थान की जो सफलता है वो आज लगी उसी तरह और जो मॉडल राजस्थान बना है उसी तरह एक बार फिर से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी राजस्थान एक मॉडल बने उसको लेकर भी पूरी तैयारियां हैं सरकार की ओर से की जा रही है। इसमें जो कोल्ड चेन है वो तैयार की जा रही है, साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी परिवहन विभाग के साथ में समन्वय के साथ में जो दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां तक वैक्सीनेशन पैसे और जल्दी से पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जी 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 लोकेश बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।